नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, एमडीएस ग्वालियर से। मैं यहां डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर हूं, प्लस मैं हेड ऑफ़ द डेंटल डिपार्टमेंट हूं यहां पे अग्रवाल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि दांत निकलवाने के बाद, चाहे वो नॉर्मल दांत हो या अकल की दाढ़ हो, उसको निकलवाने के बाद घर जाके हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। जब भी आपकी कोई दांत निकलती है, चाहे वो नॉर्मल दांत हो या अकल की दाढ़ हो, तो वहाँ पे डेंटिस्ट आपके या तो टाके देंगे या फिर कॉटन लगाएंगे। तो उस कॉटन को मुंह बंद करके प्रेशर लगाएं और आधा घंटा मुंह अपना बंद रखें और प्रेशर जरूर लगा के रखें। प्रेशर लगाने से वहाँ का घाव जल्दी भरता है और खून आना कम हो जाता है। आधे घंटे बाद जब आप घर पहुँचेंगे तो हल्के से अपना कॉटन निकालें मुँह से और कोई ठंडी चीज़ ले लें। जैसे आप आइसक्रीम ले सकते हैं, आइसक्रीम आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, बट उसमें कोई नट्स ना हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स या चॉकोचे, वैसे कोई नट्स ना हो। उसके अलावा आप घर की सारी ठंडी चीज़ें ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का जूस हो गया, लस्सी, दही, दही में बर्फ़ डाल के ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, ये सारी ठंडी चीज़ें लें। और सबसे ज़रूरी चीज़, पूरे दिन आपको थूकना नहीं है, कम से कम 24 घंटे आपको थूकना नहीं है। जितना भी थूक आपको आएगा उसको निगलना है। शुरुआत के आधा घंटा जब तक आपके मुंह में कॉटन रहेगी तो थूक ज़्यादा आएगा, तो आपको थूक निगलना है। जब आप कॉटन निकाल के कुछ ठंडा ले लेंगे तो थूक आने की मात्रा कम हो जाएगी, पर थोड़ा बहुत थूक आता है पूरे दिन, तो उसको अपन को निगलना है, थूकना नहीं है। अगर आप थूकेंगे तो खून ज़्यादा आएगा और हो सकता है टाके भी खुल जाए, तो वो चीज़ का ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, अपन को किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं करना है। सिगरेट, पान, बीड़ी, सुपारी, किसी भी प्रकार की शराब नहीं लेनी है, दारू, लिकर, ये सब नहीं लेना है आपको, क्योंकि इससे आपका घाव भरने की क्षमता कम होती है, इन्फेक्शन हो सकता है और मेडिसिन से भी रिएक्शन हो सकता है, अल्कोहल का मेडिसिन से रिएक्शन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। एक हफ्ते के लिए बिल्कुल इन पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना है। उस दिन, जिस दिन आपका दांत निकला है, उस दिन आपको ब्रश नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपके मुंह के बाहर नहीं जाएगी। मतलब आपको दवाइयाँ तो सारी लेनी है, खाना वाना भी खाना है, उस दिन आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है, मुलायम खाना खाना है, जैसे दूध दलिया हो गया, आपका दाल चावल हो गया, रोटी को दाल में मींच के ले सकते हैं, मैगी पास्ता ले सकते हैं, और जितनी चीज़ें हो सकें ठंडी चीज़ें पिएं, घर की जितनी ठंडी चीज़ें पिएं, बाहर का खाना नहीं खाना है आपको। अगले दिन से आपको दवाइयाँ तो अपनी कंटिन्यू करनी ही करनी है, अगले दिन से आपको माउथ वॉश भी यूज़ करना है, गर्म पानी के नमक के गरारे करने हैं। 7 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं आपके डेंटिस्ट ने, 10 दिन की, ये पूरा 7 दिन या 10 दिन का आपको कोर्स पूरा लेना है। किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ हो रही है, दर्द या कुछ, तो डेंटिस्ट को अपने तुरंत संपर्क करें, पर दवाइयाँ बंद ना करें। थोड़ी बहुत अकल की दाढ़ निकल के आने के बाद थोड़ी बहुत सूजन आना संभाविक है, तो घबराएं नहीं। आप चाहें तो ठंडे से बर्फ़ से अपना सिकाई कर सकते हैं, बर्फ़ को कपड़े के लपेट के गाल के बाहर ऐसे लगा के लेफ्ट या राइट जहाँ पे भी आपकी दाढ़ निकली वहाँ पे सिकाई कर सकते हैं, वरना आइस पैक भी आते हैं रेडीमेड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे सूजन आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। और एक हफ्ते या 10 दिन बाद जब भी आपके डेंटिस्ट ने बुलाया है तो चेकअप के लिए जरूर जाएं, उस चेकअप को मिस ना करें, क्योंकि उस चेकअप में वो अगर उसने आपके टाके लगाए हैं तो वो आपके टाके निकालते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है मेडिसिंस पूरी ज़रूर लें। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।